तो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका अपना टेक गुरु, और लेकर आया हूं ट्रेंडिंग टेक यानी दिन भर का डेली न्यूज बुलेटिन, जहां पर मैं आपको टोटल 10 खबरें दिखाऊंगा जो आपके काम की हैं और आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिन्होंने धूम मचाई। लेकिन शुरू करने से पहले, मैंने फ्राइडे को आप लोगों के साथ एक पोल किया था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोगों ने अपने फोन के अंदर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके रखा है या नहीं। करीब 54.6% राउंड कर दें तो 55% लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई, हमने आरोग्य सेतु अपने फोन में डाउनलोड करके रखा हुआ है, और करीब 45% लोग ये कह रहे हैं कि आरोग्य सेतु हमने अपने फोन में डाउनलोड नहीं कर रखा। तो भैया, कौन है ये 45%? कर लो भैया, कोरोना वैसे ही बढ़ रहा है, 1.5 लाख पहुंचने वाला है या पहुंच भी गया होगा, मालूम नहीं। तो भैया, थोड़ा सा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लो, अच्छा रहेगा। लेकिन चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग टेक की। और सबसे पहले आज की ताजा टेक खबर। आज रियलमी ने लॉन्च कर दिया अपनी स्मार्ट वॉच, रियलमी स्मार्ट वॉच, और साथ में अपना रियलमी स्मार्ट टीवी भी लॉन्च कर दिया रियलमी ने। तो ये सारी की सारी खबरें मैं बता रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं रियलमी स्मार्ट वॉच की। तो देखिए, स्क्वायर डिजाइन इसकी दी गई है, काफी कुछ एप्पल वॉच की तरह ही दिखने में ये दिखती है। स्क्वायर डिजाइन है जिसमें 1.4 इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है। और सबसे अच्छी बात जो हमें देखने को मिल रही है वो ये कि रियलमी वॉच के अंदर हमें देखने को मिलती है 7 से 9 दिन की बैटरी लाइफ, यानी कि एक बार चार्ज किया तो हफ्ता 10 दिन दोबारा चार्ज करने की अपनी स्मार्ट वॉच को ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर रियलमी वॉच के अंदर दिया गया है। इसके अलावा इसकी अगर कीमत की बात करूं तो इसकी कीमत है 3,999 रुपये, यानी कि 4,000 रुपये, और ये 5 जून से बिकना शुरू होगा फ्लिपकार्ट और realme.com के ऊपर। तो अगर आपको ये वॉच अच्छी लग रही है तो बुक करा सकते हैं जून 5 को। लेकिन रियलमी ने इसके साथ ही लॉन्च किया अपना रियलमी स्मार्ट टीवी, जो दो साइजेज में है। एक है 32 इंच का, जिसमें स्क्रीन रेजोल्यूशन 720 पिक्सल यानी कि HD रेजोल्यूशन है, और दूसरा टीवी जो लॉन्च किया वो है 43 इंच का, जिसका रेजोल्यूशन फुल HD है। 4K इसमें कोई भी टीवी इन्होंने रियलमी ने लॉन्च नहीं किया है। स्मार्ट टीवी हैं दोनों के दोनों, और जो है 400 निट्स तक की ब्राइटनेस इन टीवी के अंदर दी गई है। क्रोमा बूस्ट जिसे कह रहा है रियलमी, जिसके कारण से कलर्स काफ़ी खिलकर नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर कीमत की बात करें तो 43 इंच का जो टीवी है उसकी कीमत है 21,999, और जो 32 इंच का टीवी है उसकी कीमत है 12,999। तो कीमत के हिसाब से तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखा है रियलमी ने। अगर इसे आप डायरेक्टली कंपेयर करो शाओमी के टीवी के साथ तो उनसे थोड़ा सस्ता ही बैठेगा रियलमी का टीवी। लेकिन कितना चलता है और कब से बिकता है, कितना चलता है ये तो बाद में पता चलेगा कैसा रिस्पांस मिलता है। लेकिन कब से बिक रहा है तो भैया 2 जून से आप इस टीवी को, इसकी सेल शुरू हो रही है, तो आप खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट या realme.com के ऊपर। तो टीवी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कैसा फर्स्ट इंप्रेशन के आधार पर कैसा लग रहा है आप लोगों को रियलमी का टीवी, और प्राइसिंग कैसी है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो अगली खबर है टिकटॉक से। तो भैया, टिकटॉक की रेटिंग पिछले हफ्ता 10 दिन से हर दिन डिप 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 करती जा रही थी। तो अब टिकटॉक की रेटिंग गिरी क्यों? गिरी भैया यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की जो लड़ाई शुरू हो गई, जिसकी शुरुआत एक तरीके से कैरी मिनाटी और टिकटॉकर आमिर सिद्दीकी के बीच जो ये झगड़ा हुआ यूट्यूब के ऊपर, एक वीडियो कैरी मिनाटी ने डाला और उससे पहले आमिर सिद्दीकी ने प्रोवोक किया था इंस्टाग्राम के एक वीडियो डाल के कैरी मिनाटी को कि भैया टिकटॉक अच्छा है। कैरी मिनाटी ने बोला यूट्यूब अच्छा है, और ये जो वीडियो जो था हफ्ते भर में रिकॉर्ड तोड़ दिए इस वीडियो ने कैरी मिनाटी के। लेकिन यूट्यूब ने अपनी साइबर बुलिंग पॉलिसी के तहत इस वीडियो को नीचे गिरा दिया। उसके बाद से जितने कैरी मिनाटी के फैंस थे और जितने यूट्यूब के फैंस थे, सब लोगों ने मिलकर एक तरीके से आंदोलन कर दिया कि एक वन बाय वन करके टिकटॉक की रेटिंग प्ले स्टोर पर गिरानी शुरू कर दी। मतलब आप अगर यकीन माने तो एक वक्त पे टिकटॉक की रेटिंग 4.9 स्टार थी, वो गिरकर आज की तारीख में 1.3 हो गई। अब यहाँ पर गूगल बीच में आया, उसने कहा भाई ये तो कुछ बहुत ज़्यादा लड़ाई बहुत हद तक बढ़ गई, यूट्यूब पे वीडियो डिलीट करने के बाद भी कैरी मिनाटी की लड़ाई और हवा पकड़ ली। और दूसरे एक हैशटैग बैन टिकटॉक भी चल रहा था, जो आमिर सिद्दीकी के जो भाई हैं फैजल सिद्दीकी, उन्होंने एक टिकटॉक पर एक वीडियो डाला जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, जिसमें वो एक लड़की के चेहरे के ऊपर पानी फेंकते हुए नजर आए, पर वो जो है एसिड अटैक से उसको रिलेट किया गया उस वीडियो को, और उसके चक्कर में बैन टिकटॉक करके एक हैशटैग भी ट्रेंड करने लग गया ट्विटर के ऊपर। तो ये बहुत बुरे कारणों से टिकटॉक पिछले हफ्ता 10 दिन से
बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और इसके कारण से इसकी रेटिंग गिर गई। पर गूगल ने पिछले कुछ दिनों में करीब 1 मिलियन रिव्यूज़ डिलीट कर दिए अपने प्ले स्टोर से टिकटॉक के। आप ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि 28 मिलियन एक स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं ट्विटर पर टिकटॉक के रिव्यूज़, और दूसरी तरफ वो 27 मिलियन यानी 1 मिलियन के करीब रिव्यूज़ गूगल ने डिलीट किए प्ले स्टोर से टिकटॉक के, तब जाके रेटिंग थोड़ी सी सुधरी है, 1.6 पे पहुंची है। लेकिन भाई टिकटॉक और यूट्यूब की लड़ाई ये कहां तक पहुंचती है और गूगल प्ले स्टोर पर कितनी रेटिंग ऊपर नीचे होती है टिकटॉक की, ये तो अब वक्त बताएगा। लेकिन आज का पोल है टिकटॉक से रिलेटेड, तो आप मुझे ये बताइए कि ये लॉकडाउन के दौरान जब हम सब लोग खाली हैं और कुछ ना कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ही वक्त टाइम पास कर रहे हैं, तो ऐसे में आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा वक्त बिताते हैं? यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर? इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बराबर बराबर वक्त बिताते हैं या इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करते? सोशल मीडिया पर आप जाकर मेरे ट्विटर हैंडल पर आप इस पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यार बताओ क्या सोचते हो खुलकर, और नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप टिकटॉक को ज़्यादा पसंद करते हैं, यूट्यूब पर किसका कंटेंट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये तो थी अब तक की ताज़ा खबर, आप बात करते हैं व्हाट नेक्स्ट की। तो व्हाट नेक्स्ट में हम बात करते हैं उन गैजेट्स की जो आने वाले दिनों में तबाही मचा देंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया में, लॉन्च होंगे कुछ ना कुछ धमाल मचाएंगे। और इसमें सबसे पहला नंबर आज जो मैं लेकर आ रहा हूँ वो है नोकिया 8.35G। नोकिया मोबाइल की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उन्होंने एक टीज़र वीडियो दिखाया जिसमें झलकियां दिखाई जा रही हैं नोकिया 8.35G की। तो जैसा नाम बता रहा है 5G इनेबल्ड फ़ोन है। इसके अलावा इसका लॉन्च जो है वो अगस्त के महीने में हो सकता है ये फ़ोन लॉन्च। और इसके अंदर अगर फीचर्स की बात करें तो 6.81 इंच का फुल HD प्लस पंच होल डिस्प्ले इसके अंदर दिया गया है। साथ में स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर के ऊपर काम करेगा, 6GB 8GB रैम के दो अलग अलग वेरिएंट्स होंगे। साथ में 4500 mAh की इसके अंदर बैटरी होगी जो करीब 15 वॉट या 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। अब आप उसे फास्ट चार्जिंग मानते हैं या नहीं ये आपके ऊपर है। साथ में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया होगा जो कॉम्बिनेशन होगा 64 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का। तो ये तो है भैया नोकिया 8.35G जो जुलाई अगस्त के महीने में लॉन्च हो सकता है। लेकिन अगला जो गैजेट दिखाने वाला हूँ वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। व्हाट नेक्स्ट में जो अगली खबर है वो ये कि सैमसंग गैलेक्सी A31 जून 4 को यानी कि अगले हफ्ते लॉन्च हो जाएगा। सैमसंग ने अपनी एक माइक्रोसाइट में इस बात का खुलासा करके रखा हुआ है। कीमत इसकी करीब 23,000 रुपये के आसपास रखी गई है और ये जो है क्वाड रियर कैमरा के साथ आएगा जो कॉम्बिनेशन होगा 48 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल। इसके अंदर मैक्रो कैमरा भी होगा, अल्ट्रा वाइड भी होगा, प्राइमरी लेंस भी होगा और डेप्थ सेंसर भी होगा, मतलब कैमरा काफ़ी अच्छा तगड़ा दिया गया है। इसके साथ ही सैमसंग ए सीरीज़ में एक और खासियत होती है कि काफ़ी अच्छी स्क्रीन इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो इसमें 6.4 इंच का फुल HD प्लस नॉच डिस्प्ले होगा, 20 मेगापिक्सल सेल्फी होगा और साथ में इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई होगी जो इसे काफ़ी पावर पैक्ड फ़ोन बनाती है। लेकिन ये तो था भैया व्हाट नेक्स्ट, अब बात करते हैं द लीकिंग टेक की, जहाँ पर कुछ Xiaomi के और Samsung Note 20 के कुछ लीकिंग खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अब भाई फोल्डिंग स्मार्टफोन का जमाना आ गया, मोटरोला हो या हुआवे हो या आपका Samsung हो, सब फोल्डिंग स्क्रीन वाले स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर Xiaomi का नेक्स्ट फ़ोन जो हो सकता है वो शायद इसी डिज़ाइन का हो सकता है, जहाँ पर एक तरफ ऊपर की तरफ एक रोटेटिंग कैमरा होगा जिसको आप रियर कैमरा कोई सेल्फी कैमरा की तरफ भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके के डिज़ाइन कंपनीज पेटेंट करा के रखती हैं फ्यूचर रेफरेंस के हिसाब से, कि कल को सपोज़ इस तरीके की डिज़ाइन कॉम्पिटिशन में आती है या इस तरीके के डिज़ाइन की डिमांड आती है तो पेटेंट पहले से करवा के रखा है, फौरन फ़ोन को प्रोडक्शन लाइन पर डालकर इस फ़ोन को बना के कंज्यूमर के बीच में बेचना शुरू कर देंगे। तो इसलिए इस तरीके के पेटेंट्स होते हैं। अब ये इस तरीके के फ़ोन्स लॉन्च होगा कि नहीं होगा इस तरीके का, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा फ़ोन Xiaomi ने पेटेंट कराया है तो सूनर और लेटर शायद इस तरीके का स्मार्टफोन हमें देखने को ज़रूर मिलेगा।
क्या सोचते हैं आप इस डिज़ाइन के स्मार्टफोन के बारे में, मुझे ज़रूर बताइए नीचे कमेंट्स में। तो भैया गैलेक्सी नोट 20 के लेटेस्ट लीक्स आ गए हैं और मशहूर टिप्स्टर हैं ऑन लीक्स, उनके थ्रू ये आपको ढेर सारे कैड लीक्स देखने को मिल रहे हैं, जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि नोट 20 प्लस जो है इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले के साथ आ रहा है। पीछे की तरफ बैक पैनल पर जो कैमरा मॉड्यूल है वो रेक्टेंगुलर है, जैसा हमें नोट 10 सीरीज़ में भी देखने को मिला था, मोर और लेस उस तरीके का है। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि 6.9 इंच का इसके अंदर डिस्प्ले होगा, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले, जो लुक्स एंड डिज़ाइन वाइज तो वैसा ही लग रहा है जैसे नोट 10 सीरीज़ में हमें देखने को मिला था, बस ये साइज़ में थोड़ा सा और बड़ा होगा। इसके साथ ही जो है जो कैमरा जो देखने को मिलेगा हमें नोट 20 प्लस सीरीज के अंदर, वो 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा और क्वाड कैमरा सेटअप इसके अंदर दिया गया है। अगस्त में लॉन्च इसका पॉसिबल हो सकता है और जो है एक्सिनॉस 992 प्रोसेसर के साथ ही आएगा, जो कुछ हफ्ते पहले मैंने स्टोरी की थी, जो एक्सिनॉस 992 प्रोसेसर है स्मार्टफोन और ख़ासकर एक्सिनॉस की इमेज बदल देगा, क्योंकि ये गैलेक्सी नोट 20 प्लस को सबसे तेज तर्रार स्मार्टफोन बना सकता है। तो क्या सोचते हैं आप एक्सिनॉस 992 के बारे में, ज़रूर मुझे बताइएगा। लेकिन अगली खबर जो आ रही है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि वन प्लस अपने ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च कर सकता है जुलाई के महीने में, और इसका नाम हो सकता है वन प्लस बड्स या वन प्लस बुलेट बड्स, जो भी नाम हो, लेकिन जुलाई के महीने में वन प्लस जी जब लॉन्च होगा, वन प्लस जेड या वन प्लस जी, उसके साथ ही वन प्लस बड्स को लॉन्च किया जाएगा। एक बहुत मशहूर टिप्स्टर हैं मैक्स जे, उन्होंने ट्वीट किया, तो एयरपॉड लाइक डिज़ाइन इसमें देखने को मिल रही है, काफ़ी हद तक एयरपॉड जैसा ये दिख रहा है, और जो है ये चार रंगों में आएगा। लेकिन अब सारी दुनिया एप्पल के एयरपॉड्स की डिज़ाइन कॉपी कर रही है, तो ऐसे में एप्पल क्या कर रहा है? तो भैया लीकिंग टेक में जो अगली खबर जो है वो ये है कि एप्पल अपने एयरपॉड्स का नया वर्जन ला रहा है, जो एक तरीके से ओवर द ईयर नॉइस कैंसिलेशन वाले वायरलेस हेडफोन्स ब्लूटूथ पावर्ड होंगे ओवर द ईयर डिज़ाइन के, यानी कि एयरपॉड्स का नया एक और मॉडल लॉन्च होगा, जो नॉर्मल आपके वो छुटकू सी एयरपॉड्स के बजाय प्रॉपर हेडफोन की तरह होंगे। इस तरह की कई इमेजेस हमें इंटरनेट पर देखने को मिल रही हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये लॉन्च तो शायद आईफोन 12 के साथ ही होंगे, यानी कि अक्टूबर नवंबर में हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका अनाउंसमेंट हो सकता है, ये जो नए एयरपॉड स्टूडियो वर्जन है इसका अनाउंसमेंट शायद वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस में जून 22 को iOS 14 के साथ हो सकता है। तो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको एयरपॉड स्टूडियो, मुझे ज़रूर बताइए। बट ये तो था लीकिंग टेक, अब बात करते हैं टेक मज़ेदार की। तो भैया टेक मज़ेदार में आज जो मैं खबर लेकर आया हूँ वो ये कि अगर आप Xiaomi का टीवी खरीद चुके हैं या खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा वक्त है, क्योंकि Xiaomi ने अपने पैच वॉल जो यूज़र इंटरफेस है उसमें नए फीचर्स को जोड़ दिए हैं, जिनका नाम है कलेक्शंस। इसमें एक तरीके से यहाँ पर क्यूरेटेड मूवीज़ और टीवी सीरीज़ आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी, यानी कि आपका कन्फ्यूजन थोड़ा हद तक कम हो जाएगा इस कलेक्शंस फीचर की मदद से। ये कलेक्शन फीचर की मदद से ब्राउजिंग टाइम और कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक कम होगा, और साथ में इसमें Xiaomi ने अपने पैच वॉल UI के अंदर इन्होंने नया किड मोड भी लॉन्च किया है, तो किड्स सेफ मोड जो है वो बच्चे क्या चीज़ देखना पसंद करेंगे और क्या चीज़ उनके लिए मुनासिब है उस हिसाब से काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया है। तो Xiaomi TV का यूज़र इंटरफेस आप अपडेट कर लीजिए अगर आप ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अगर लेने वाले हैं तो ये फीचर आपके बड़े काम आएगा। लेकिन अब बात करते हैं आपके काम की खबर की। तो भैया आपके काम की खबर ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग करने में फ्लिपकार्ट और अमेज़न को कड़ी टक्कर देने के लिए हमारा अपना देसी JioMart अब लाइव हो चुका है। ये JioMart दरअसल ई कॉमर्स की सर्विस होगी, वेबसाइट होगी, जैसे आपकी अमेज़न फ्लिपकार्ट मिंत्रा इस तरीके की जो सर्विसेज हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपने रोज़ाना के राशन का सामान, कॉस्मेटिक्स और भी बाकी कई चीज़ें, ढेरों चीज़ें खरीद सकते हैं। अब ये JioMart रिलायंस का ऑब्वियसली नाम ही बता रहा है, तो रिलायंस JioMart जो है वो रिलायंस का है,
अपना खुद का देसी है, और साथ में जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि लोकल के लिए वोकल रहिए, तो अगर यहाँ पर आप चीज़ें ऑर्डर करेंगे तो पैसा हमारे अपने देश के अंदर ही आ रहा होगा, तो देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट करने में यहाँ पर शॉपिंग करना अच्छी चीज़ होगी। लेकिन खैर वो तो खैर एक सोच है हर किसी की अपनी अलग अलग, लेकिन जियो मार्ट में चीज़ें क्या अच्छी अच्छी हैं। देखिए जियो मार्ट अभी होम डिलीवरी कर रहा है, जितने इंडिया के बड़े शहर हैं वहाँ पर तो डोर टू डोर डोर स्टेप डिलीवरी कर रहा है। आपके दिल्ली NCR, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में तो इसकी डिलीवरी शुरू हो गई है। अभी इसका कोई मोबाइल ऐप नहीं आया है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है इसका मोबाइल ऐप भी आपको लॉन्च हो जाए, तो आप अपने नॉर्मल स्मार्टफोन से ही आप चीज़ें ऑर्डर कर पाएंगे। अभी आप वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, JioMart.com पर जाकर आप चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं, और ढेरों तरीके का कैटलॉग इन्होंने बना के रखा है। जो चीज़ें आपको Amazon या Flipkart के ऊपर नज़र आती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी जियो मार्ट के ऊपर, और जैसे जैसे वेबसाइट और पुरानी होगी वैसे वैसे आपको कैटलॉग भी बढ़ता जाएगा, कई और चीज़ें भी इसमें ऐड होती जाएंगी। तो भैया लोकल के लिए बी वोकल, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अब अगले महीने का अगर आपको राशन मंगाना है ना या शॉपिंग करने का प्लान कर रहे हैं तो जियो मार्ट पे एक बार ट्राई कीजिए। और अभी ये ट्रेंडिंग टेक का ये एपिसोड मैं अभी यहीं ख़त्म करता हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो भैया सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल कोई दूसरा वीडियो ना देखिएगा। इस चैनल पर रोज़ाना आपको ढेर सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं और काफ़ी ऑनेस्ट और अनबायस्ड व्यूज़ देखने को भी मिलते हैं।